ये चैप्टर है 12.3। अब क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजाएं चारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर करके है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्त में से दो वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी के हर शीर्षों को लेकर यानी ए को लेकर एक वृत्त खींचा गया है, इसका चतुर्थांश एक वर्ग के अंदर है। बी को लेकर भी एक वृत्त खींचा गया है जिसका चतुर्थांश एक वृत्त के अंदर है। ऐसे करके चारों त्रिभुज ये चारों वृत्त खींची गई है इन चारों शीर्षों को लेकर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस ए बी सी डी वर्ग के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से इस चार चतुर्थांश के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देते हैं 1 2 3 4 चार चतुर्थांश से चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे चार को गुना चार करके चार को क्षेत्र ये चार को चतुर्थांश है यानी गुना चार करके इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल से माइनस कर दे तो ऑटोमेटिकली ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 7 नंबर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चार गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्र वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 14 × 14 क्योंकि ए जो है वर्ग का वह है 14 माइनस चार गुना चार को चतुर्थांश से यानी इसलिए चार गुना। तो पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4 ये 4 कर दिया 14 × 14 196 माइनस पाई होता है 22/7 आर जो है वो 7 है इंटू 7 क्योंकि देखिए ये पूरा है 14 सेंटीमीटर तो अगर इतना दूर होगा तो 7 सेंटीमीटर होगा यानी ए का इस सर्कल का आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इस सर्कल का आर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया। तो 196 − 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से हम इस आर के मान को हमने कैसे निकाला समझ लेते हैं। ये पूरा है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक ऐसे सर्कल है और एक ऐसे सर्कल है तो ये जो है ये इसकी आर है, ये पूरा है 14 सेंटीमीटर तो ये इसका आधा भाग हुआ यहाँ पे तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा तो तभी ये 14 सेंटीमीटर करके इसका मान आएगा। तो ये इसकी आर हुआ 7 सेंटीमीटर इस सर्कल का, इस सर्कल का भी आर हुआ 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम लोग ने यहाँ आर स्क्वायर का मान को 7 × 7 लिखा तो इसका आंसर आया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन था 7 नंबर का। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।